चार रोटी खाई मैंने, दूध पिया मैंने, मैंने दूध पिया ना जब मैंने इसको पता नहीं लगा मैं किस तरह के मेरे गला सा चढ़ गया, मैं सो गया। फिर आध घंटे के भीतर आग लगी, आग लगने के बाद और मैं उठा के मेरे बीबी बच्चे जल गए बाद की, मैं दोबारी बढ़िया सो आग। मेरा 32 साल का बेटा ने फूक दिया, तू और देखने लिया कि बाजगी क्यों कर बाजी तू, अगर बोले मेरा कुंदड़ फाड़ ले तू, मेरा कुछ नहीं कर सकती तू, हर लगा दी 3 बार कही बहू ने जलाया है जी। मेरी बहू ने वहाँ कैसे लेके गई इतनी दूर, इतनी दूर कैसे लेके गई, उस पोते को 5 किलो की बाल्टी नहीं चल सकती, 10 डंग नहीं चल सकती, उसका दिल की वो कैसे नहीं चल सकती, वो किसी का हाथ से है, किसी ने लगाई, मेरी बहू ने लगाई और किसी ने ना लगाई जी, वो लगा के क्यों गई, मेरे 32 साल ने बेटे को फूक की और आपके बेटे को बचा के चली गई, मैं कितने ले आऊँ इब, मैं क्या करूँ जी, ये बताओ मेरे को इंसाफ चाहिए। देखिए हिंदू धर्म में पति परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन अगर हमारे परिवार में अगर कोई जानवर भी है और वो भी अगर ऐसे हालात में है तो कोई भी उसे छोड़कर नहीं भागता, लेकिन जबकि प्रियंका का तो पति जल रहा था। किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप अपने भाई को खोया है, आखिर इस पूरे मामले में इंसाफ कब होगा। प्रियंका से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से अपने चाचा के घर चली गई और वहाँ जाने के बाद बेहोश हो गई। जिसके दिल की कोई बीमारी हो और सांस की बीमारी हो, इसके बावजूद वो अपने चाचा के घर जाकर बेहोश हुई, वो वहाँ उसी समय बेहोश भी हो सकती थी जब आकाश की आग लगी हुई थी। आखिर वो दौड़कर अपने चाचा के घर इतनी दूर कैसे पहुँच गई। पूरे प्रशासन को इस पूरे मामले की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझानी। बात करे उसने विश्वासघात करे हो और कति सारे आम कत्ल करे उसने मेरा भाई को, उसने तेल डाल के कत्ल करे हो, नू करे हो गया उरा मर जागो, मैं वह बाजगी नू गई थी, अब नू का देंगा काम तो चली गई, मैं तो थी ने उसका बाप ने शुरू में झूठ बोल की शादी करी थी और झूठ का ही रिश्ता बुनियाद पर यह रिश्ता 9 साल तक रह गया। क्यों रह गया, मेरा बाप और मेरा भाई बढ़िया था इस कारण यह रिश्ता रह गया, नहीं अगर इनकी जगह मैं होती तो एक दिन भी यह रिश्ता नहीं रहता। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, पी के आए दिन झगड़ा कर उन्हें मारे घर तो इशारा लगा जन मारे घर में बांस आवाज है, उन लोग का गांव लोरवाड़ा को देखना नहीं, मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरा भाई सन सुरेश इसने मोटरसाइकिल चला ली एक दिन, उस वो उन्हें हाथ पकड़ के उल्टी रखवा ली, मतलब मोटरसाइकिल नहीं चला, वो बोली अगर मैं मर जाऊं तो मेरे को लोरवाड़ा दाग नहीं देना, मैं लोरवाड़ा गांव से नफरत है, ये बात आप विजय पाल से पूछ लेना। नहीं आए दिन क्या प्रियंका से लड़ाई करती थी क्या, इसी वजह से उसने घर छोड़ के बाहर जाना। कहना है कि वो जब यहाँ रहती थी सारा काम भी वो करती थी, करती थी और ऐसे में आपके पिताजी शराब पी के उनके साथ लड़ाई करते थे और आपकी मम्मी जो पड़ोसी हैं जो नरेंद्र जी हैं उनकी माँ और उनके कहने पर सिखावट से उसके साथ झगड़ा करती रहती थी।